स्वागत है दोस्तों। हमने बात किया था आज जो फ्राइडे था कि मार्केट अपमूव रहना चाहिए और मार्केट अपमूव रहा, और किस बेसिस पे बात किया था आप ये जाके वीडियो देख सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर कैसे लॉस करते हैं। ये हमारा जो हेडिंग था वीडियो का टाइटल, आप ये जाके देख सकते हैं वीडियो। इसमें क्लियर बताया था कि मार्केट जो आज फ्राइडे को होगा अपमूव रहेगा और एक अच्छा खासा मूव रहेगा। उसका लेवल जो हमने बताया था एग्जैक्ट वहीं तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों टच किया, तो किस बेसिस पे हमने बताया था। आप अगर उसको लर्न करना चाहें तो आप जाकर चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं दोस्तों। हमारा जो एक्सपायरी का जो था ये बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट दिया लोगों को, अगर जो भी इसमें ट्रेड किए होंगे तो। एक्सपायरी का भी वीडियो हमने किया था, एक बहुत अच्छा खासा लेवल के साथ है। तो दोस्तों इस चैनल पर जो एनालिसिस है वो आपको लॉजिक और डाटा के साथ और चार्ट के साथ मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फॉलो करिए और पहले सीखिए, पहले चीज़ों को देखिए कि कैसे होता है, कैसे एनालिसिस होता है, फिर आप ट्रेड करिए। अगर आप ये स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो ये जो भी हम अभी वीकली, तो अभी वीक में दो वीडियो हम स्टॉक का डालेंगे, जैसे कि आपको अगर स्टॉक में पोजिशनल स्टॉक में बनाना है तो आप ये ट्रेड कर सकते हैं। आप ये जाकर वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक चेक कर सकते हैं कि इन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसी प्रकार हमारे और भी चैनल पे जो मल्टीपेगर स्टॉक्स हैं आप जाके चेक कर सकते हैं कि मल्टीपेगर स्टॉक जो हमारा रिटर्न दिया है वो कितना रिटर्न दिया है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं डाटा और चार्ट पे कि जो डाटा हमारा है और बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो डाटा क्या कह रहा है। तो अभी हम जो डाटा पे बात करेंगे कि ये जो आज मार्केट अपमूव हुआ, जो आप देखेंगे 11 तारीख का जो डाटा था, ये जो है ये टुडे समरी जो आप देखेंगे इसमें कि 11 तारीख में क्या है, इंडेक्स कॉल को किसने राइट किया था, हमारे क्लाइंट भाई ने 75,000 क्वांटिटी सेल किए थे कॉल, और उन्होंने पुट बाइंग किया था। यानी मार्केट में कल बताया गया था कि जो हमारे क्लाइंट थे ये क्या थे, बेरिस थे। आप ये देखें कि जो क्लाइंट है ये क्या है, फ्यूचर में भी और ऑप्शन में भी दोनों बेरिस थे, जबकि बड़े प्लेयर ये जो आप देखें FII ये मार्केट में न्यूट्रल थे लगभग। इन्होंने कॉल और पुट दोनों क्या क्या सेल किया था, तो इनको लॉस नहीं होना था। लेकिन जो अभी मार्केट को चला रहे हैं वो नहीं, देखिए जो हमारे प्रोप्राइटरी ये कॉल को बाई किए थे और ये पुट को सेल किए थे, तो मार्केट को ऊपर ही जाना था ये कल ही हमें पता लग गया था। और जो भी इस वीडियो को देखे होंगे उनको एक क्लियर इंडिकेशन मिल गया होगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तभी हम लास्ट में इस जो एनालिसिस को सीट को फिल करेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा 15 तारीख का जो हमारा मार्केट में मूवमेंट होने वाला होगा, किस साइड मूवमेंट होगा और कहाँ मार्केट जाएगा, चार्ट और डाटा हम दोनों पर बात करेंगे। तो चलिए अभी हम देखेंगे इसको, हम लास्ट में फिल करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर आपको ये पता करना है कि मार्केट 15 को कहाँ रहने वाला है। तो चलिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट और डाटा दोनों देखते हैं। तो ये भी हमारा जो निफ्टी का जो चार्ट खुला हुआ है, आप अगर निफ्टी के इस लेवल को देखें, सॉरी ये बैंक निफ्टी है, निफ्टी का भी हम लेवल देखते हैं। ये निफ्टी है, निफ्टी में जो ये लेवल है, हमने क्या बताया था कि ये जो मार्केट निफ्टी है इस चैनल के अंदर में फंसा हुआ है, तो यहाँ से जो जो लो था 17,963 इसके लेवल के ऊपर मार्केट को टच करना चाहिए, 18,080 तक, 18,088 तक जाना चाहिए मार्केट में। आप ये देखें तो आज का लो अब 17,900 है और हाई अब 18,121 है, तो आप लगभग मैंने 90% एक्यूरेसी 90% कैप्चर कर सकते हैं। और मार्केट में देखिए जो है एक्यूरेट कोई नहीं होता है, अगर 90% आप एक्यूरेट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, मार्केट का अगर डेली चार्ट पर देखें तो 18,100 जो क्लोजिंग है, 18,102 है, 18,120 के ऊपर जब मार्केट चलेगा तो नेक्स्ट लेवल हमारा 18,216 रहेगा, उसके बाद 18,280 तक मार्केट जा सकता है ऊपर की तरफ। यानी अगर मार्केट नीचे क्लोज अगर 18,050 की तरफ क्लोजिंग देता है तो फिर नेक्स्ट लेवल 18,945, 950 मार्केट में, फिर 940 तक हो सकता है। ये हमारा दो लेवल रहेगा मंडे का, मार्केट 930 तक भी नीचे आ सकता है अगर ये 18,050 के नीचे ट्रेड करता है तो, और 18,120 130 के ऊपर ट्रेड करेगा तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल हमारा 18,184 और 208, और नेक्स्ट लेवल फिर 280 तक हो सकता है। अगर इसको 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे तो और आपको एक जो क्लियर व्यू मार्केट में मिल जाएगा। तो हमने बताया था कि मार्केट अगर ये 17,950 के लिए अगर ऊपर ओपनिंग होता है तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल हमारा 18,084, ये लेवल हमने बताया था, ये लेवल होना चाहिए मार्केट में। तो आप अगर ये देखें कि हमने इस लेवल के ऊपर जो अगर यहाँ की जिसने भी बाइंग किया होगा एक अच्छा खासा उनका प्रॉफिट हुआ होगा, और ये लेवल जो यहाँ से निकल के आया मार्केट यहीं से फिर एक बूम किया है, तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल हमें जो डाटा पे दिख रहा है चार्ट पे, सॉरी देखिए 18,228 नेक्स्ट लेवल हो सकता है, ऊपर जाएगा फिर 18,300 तो हो सकता है अगर 18,150 के, 120 के, 130 के ऊपर जो मार्केट अगर चलेगा तो इस लेवल को अगर तोड़ता है, ये जो लेवल है हमारा 18,050, 18,120, 18,080 इस लेवल के ऊपर अगर यहाँ तो मार्केट अभी, लेकिन अगर क्लोजिंग इसके ऊपर 18,130 के ऊपर देगा तो नेक्स्ट लेवल हमारा ये आपको 18,222 और 18,300 तक हो सकता है। नीचे के लेवल अगर ये 18,000 आपको ये लेवल 18,060 और 18,050 के लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल 17,950, 940 तक हो सकता है। तो
अगर इसको आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आपको एक और क्लियर भी मिल जाएगा कि मार्केट, लेकिन मार्केट हमें ऊपर की तरफ ही दिख रहा है क्योंकि लास्ट में जो वॉल्यूम आया है एक अच्छा खासा वॉल्यूम मार्केट में आया है। तो आप देखें कि ये जो भी 15 मिनट के चार्ट में आपको देखेंगे कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कंसिस्टेंट ये क्या है, मार्केट ऊपर गया। आप अगर कॉल बाइंग किए होंगे या फिर पुट सेल किए होंगे तो कंटिन्यूअस मार्केट आपको क्या है, एक भी ऐसा कैंडल नहीं है जिसके लो को तोड़ा हो। आप देखें कोई भी 15 मिनट के चार्ट में कोई भी कैंडल जो है वो लो ब्रेक नहीं किया है किसी भी कैंडल को, एक बार यहाँ है लेकिन बाकी किसी कैंडल के लो ब्रेक नहीं किया। अगर आप अपना पोजिशन ट्रेड करते गए होंगे तो आपको यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए एक अच्छा खासा मिला होगा, बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला होगा। आप अगर इस बेसिस पर ट्रेड करेंगे, देखें आप कोई भी एक ऐसा कैंडल है जिसके लो नेक्स्ट कैंडल उसके लो को नहीं ब्रेक किया, कोई भी एक कैंडल में ऐसा नहीं है, तो आप ये ट्रेड और इस जो है स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में होने वाला है। और अगर सीख के करेंगे तो नेक्स्ट लेवल। आप ये आज जैसा देखिए, जैसा भी आज मार्केट चला है कंटिन्यूअस बिना किसी स्टॉप लॉस एंट्री के बहुत ही कंटिन्यूअस ऊपर गया, क्योंकि ये धीरे धीरे गया। आप ये हमारे डाटा को, साइकोलॉजी को समझिए कि रिटेल इन्वेस्टर वहां क्या थे, बेरिश थे और मार्केट को धीरे धीरे ऊपर ले गए, वो ऊपर गए वो और सेल करते गए क्योंकि उनका पोजिशन लगा हुआ था और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता गया। आप देखें कि इसमें वॉल्यूम भी और मार्केट के साथ जो है एक अच्छा खासा है, तो आपको वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना है, देखना है। नेक्स्ट लेवल हमारा क्या 18,084 ये लेवल, इस लेवल के पास मार्केट आएगा और मार्केट इस लेवल को सस्टेन करके अगर ऊपर जाता है, इस विंग को तोड़ता है, तो फिर एक अच्छा खासा लेवल हमारा 222 और 303 तक हो सकता है। नहीं, अगर 18,060 ये लेवल हमारा जो है 18,040 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा मार्केट इस लेवल के नीचे, तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारा 17,985-17,930 इस लेवल की तरफ मार्केट आ सकता है, 17,980 तक आ सकता है। ये लेवल हमारा मार्केट का निफ्टी का रहा। अगर हम ये डाटा की बात करें कि डाटा हमारा क्या कह रहा है, तो ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन हमारा खुला हुआ है। आप अगर देखें तो ये जो पुट राइटर है एक बहुत ही हैवी पोजिशन के साथ आज अपना मार्केट में पोजिशन बना के गए। आप देखें कि जो नीचे आप अगर डाटा देखें तो आप ये पाएंगे कि जो भी पुट राइटिंग किया है, अभी हम देखेंगे लास्ट में कि पुट राइटिंग किया है किसने, पोजीशन अपना क्या बनाया है, तो आपको ये करो क्लियर इंडिकेशन में देखें कि जो 18,000 के पास पुट राइटर ने बहुत ही आज हैवी 89,000 क्वांटिटी फ्रेश क्रिएट किया गया। और जो कॉल राइटर हैं ये अब देखें, जो भी रिटेल इन्वेस्टर थे ये नीचे की तरफ क्या है अपना पोजिशन क्लोज कर दिए हैं और 18,200 पर अभी पोजिशन बन रहा है। तो 18,100 अभी ये क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 18,100 जो अभी 50,000 क्वांटिटी यहाँ है और 18,100 पे कॉल राइटर ने एक अच्छा खासा क्वांटिटी, सॉरी पुट राइटर ने क्रिएट किया है, जबकि कॉल राइटर इनके आधे ही पोजीशन क्रिएट किए हैं। तो 18,100 पे पुट राइटर हैवी हैं, फ्रेश पोजीशन देखें तो 1,40,000 आज फ्रेश पोजीशन सिर्फ इस ट्रेड राइटर ने 18,000 से 18,200 के पोजीशन में बनाया। अब देखें तो 18,000 से 18,200 के बीच फ्रेश पोजीशन, यहाँ 1,40,000 क्वांटिटी फ्रेश पोजीशन क्रिएट किया गया कॉल पुट राइटिंग किया है, जबकि कॉल राइटर मत 36,000 क्वांटिटी ही आपको क्या कहें राइट किए हैं। और ये क्या है 18,200 पे इनका मैक्सिमम, आप देखें जो 14,000-18,200 पे है। ऊपर की तरफ आप नीचे की तरफ देखें तो 17,700 पे एक ये पोजिशन जो क्रिएट किया है 17,800 पे। अब ये देखेंगे कि ये क्या है, ये कॉल पुट बाइंग किसने किया है या फिर पुट सेल किसने किया है, इस चीज को हम देखेंगे। ये हमें थोड़ा डाटा क्या है कि चिंताजनक दिख रहा है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि बाइंग किया गया है या सेलिंग किया गया तो आपको क्लियर मिलेगा। मुझे तो लग रहा है कि ये रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा बाइंग किया गया है, अभी हम डाटा देखेंगे तो हमें क्लियर इन्वेस्टर मिल जाएगा जो सबका डाटा आता है। तो इस प्रकार हमें अगर ओवरऑल डाटा देखें तो क्या है, ओवरऑल डाटा बुलिश है, मार्केट भी बुलिश है और मार्केट का ऊपर का लेवल हमें 18,200-18,300 का लेवल जो है वो दिख रहा है। नेक्स्ट लेवल हम आगे की एनालिसिस में करेंगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो पोजीशन बना है वो फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग हुआ है, जिसने भी शॉर्ट किया था। आप देखें कि फ्यूचर में उन्होंने एक अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ शॉर्ट कवरिंग लगभग 6 लाख क्वांटिटी किया है, उन्होंने अपना क्लोज किया है। मार्केट 234 पॉइंट ऊपर गया है, 6,80,000-7 लाख क्वांटिटी क्लोज किया गया है। तो इनको एक क्या है, फ्यूचर में भी लॉस हुआ है, फ्यूचर में भी किसने शॉर्ट किया था, फ्यूचर में जो बेयरिश थे वो हमारे क्लाइंट थे। तो आप 18,101 का है, अभी जो आपको रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वहां ज्यादा है 18,100 पे कॉल राइटर, लेकिन जो पोजीशन क्रिएट किया गया फ्रेश पोजीशन हम उसको देखेंगे कि वहां पुट राइटर ज्यादा है। पुट राइटर ने 69% अपना पोजीशन आज क्रिएट किया है अगर दोनों स्ट्राइक पर देखें तो। और जो 18,100 पे कॉल राइटर के द्वारा जो पोजीशन ओपन इंटरेस्ट है वो 63% नीचे की तरफ। आप देखें तो 18,050 पे भी लगभग 50-50 पोजीशन है, जबकि फ्रेश पोजीशन क्रिएट किया है वो पुट राइटर के द्वारा ज्यादा किया गया है। तो अभी आप क्या है मार्केट में आप देखें तो पुट राइटर जो है वो हैवी है, जिन्होंने पुट राइट किया है वो क्या है मार्केट में हैवी है। तो आप अगर डाटा देखेंगे तो हमें ये क्लियर भी मिल जाएगा कि पुट राइटिंग और कॉल बाइंग या कॉल राइटिंग किसने किया। ओवरऑल डाटा आपने देख लिया। प्रीमियम जो है अभी भी आप देखें कि कल प्रीमियम क्या हुआ, पुट की तरफ बढ़ गया था,
तो पुट वाले ऑब्वियसली मार्केट को ऊपर ले जाएंगे ताकि उनको एक अच्छा खासा प्रीमियम बुक करने को मिले। आप देखें कि अभी प्रीमियम क्या है, लगभग आप इस स्ट्राइक प्राइस में सिर्फ देखें तो 200% यानी लगभग ये अपना क्या है 66% प्रॉफिट क्या है बुक कर लिए हैं, और इनका प्रीमियम देखिए थोड़ा लगभग 50% प्रीमियम बढ़ गया है कॉल की तरफ। तो मार्केट को थोड़ा ऊपर रखना चाहिए वो मंडे के टाइम में ताकि इनका प्रीमियम और बढ़े और ये जो प्रीमियम है इनको ये सेल कर सकें, ताकि पुट राइटर अपना प्रीमियम ये जो अभी ये फ्रेश पोजीशन क्रिएट किए हैं ये अपना प्रीमियम खा सकें। तो मार्केट में आप जो प्रीमियम और ओपन इंटरेस्ट ये सब का साइकोलॉजी है और लॉजिक इसको आपको समझना पड़ेगा। चलिए हमने अभी निफ्टी का चार्ट देख लिया, अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट और डाटा क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का अभी ये चार्ट देखें दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। बैंक निफ्टी में हमने बताया था कि ये इस लेवल से मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए, क्योंकि आप देखें ये जो लेवल था ये क्रिटिकल लेवल था, और ये अगर इसके लेवल नीचे आ जाता तो फिर मार्केट हमारा 38,000 के पास आ जाता और 37,700। तो ये लेवल ने बाउंस बैक किया है और ये मार्केट एक जो क्लोजिंग दिया है वो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और ये क्या कर रहा है अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। 38,673 38,600 क्या है सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट का नेक्स्ट लेवल 38,972 980 या फिर अगर इससे नीचे लेवल होता तो 39,100 होना चाहिए मार्केट में, नेक्स्ट लेवल 39,100 का लेवल होना चाहिए। तो अगर आप ये वॉल्यूम का देखें तो वॉल्यूम अभी आज का आया नहीं, लेकिन क्या 135 मिलियन वॉल्यूम है इसमें, और दूसरे में जो आप वॉल्यूम देखें 46 लाख वॉल्यूम क्या है इक्वल है। आज फ्राइडे था तो मार्केट में लोग कैरी करके बहुत ही कम गए होंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर मार्केट में बहुत ही कम कैरी करते हैं। तो आप देखें 39,178 का नेक्स्ट लेवल हमें अगर 38,900 तक नेक्स्ट लेवल देख सकता है मार्केट में। अगर 1 आवर के चार्ट देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में आप ये जो लेवल है आप जो निफ्टी में था इसी तरह के बैंक निफ्टी में देखिए वॉल्यूम भी एक अच्छा खासा है, और मार्केट जो भी है ये आपको ये कैंडल दिखा था, लेकिन क्या है ये कैंडल किसी भी कोई भी कैंडल क्या है एक जो नेक्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। तो आप अगर अपना ट्रेलिंग करके पोजिशन गए होंगे तो आपको एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ होगा। अगर इसको हमें 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो हमको एक क्लियर भी और मिल जाएगा कि मार्केट में हमें कैसे ट्रेल करना है और कैसे पोजिशन अपना क्रिएट करना है। अगर आप ये 15 मिनट का चार्ट देखें तो 15 मिनट के चार्ट में आप देखें जो आपने अगर यहाँ पोजीशन क्रिएट किया होगा जो मार्केट ओपन हुआ था, जो भी मार्केट ओपन हुआ था ये 12 तारीख का आप यहाँ मार्केट ओपन हुआ आप देखें यहाँ से 10,45,000 ये अगर इस कैंडल पर आपने पोजीशन बनाया होगा अगर डाटा और चार्ट देखें तो एक भी ऐसा कैंडल नहीं है, ये एक स्टॉप लॉस हंडिंग था, इसके बाद एक भी ऐसा कैंडल नहीं है जो कि इस वॉल्यूम को नेक्स्ट कैंडल को क्या ब्रेक किया हो। अब मार्केट में देखिए बैंक निफ्टी आप यहाँ आकर पोजीशन क्लोज किए होंगे 38,686 हमारा जो लेवल था इस लेवल के पास, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अगर आप ये कैंडल देखिए ये एक बेरिश कैंडल था और वॉल्यूम के साथ था, तो आप अगर इस कैंडल पे यहाँ सेल भी किए होंगे और इस कैंडल का आपने स्टॉप लॉस दिखा होगा तो आपको क्या लास्ट में जो था वहां आपको एक अच्छा खासा नीचे की तरफ ही प्रॉफिट होगा। तो मार्केट का लेवल अभी 38,713 के लेवल को जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक हमें बेरिश नहीं होना है। अगर नीचे के लेवल को तोड़ता है तो मार्केट में नीचे का जो लेवल है मैक्सिमम 677-600 होना चाहिए, 677 से 38,700 से मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 677 का लेवल नेक्स्ट तोड़ देगा ये जो सिंह तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल हमारा 38,560 या 38,520 ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये लेवल पे आना चाहिए मार्केट को। ये लेवल 38,520 आप ये लेवल देखें 38,520 इस लेवल तक आना चाहिए अगर 677 के लेवल को तोड़ता है तो मार्केट को अगर 677-680 के आसपास मिलता है और कहीं भी आपको ये पॉइंट कैंडल और डाटा सेज करता है तो 800 के लिए बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लेवल 38,900 का लेवल हमें मार्केट में दिख रहा है आने वाले समय में। तो ये हमारा अभी चार्ट रहा। हम डाटा पे अगर बात करते हैं कि डाटा हमारा बैंक निफ्टी का क्या कर रहा है, तो अभी इस प्रकार अगर डाटा की बात करें तो 38,501 जो है मैक्स पेन ये उसका काम कर रहा है। आप देखें जो मैक्स पेन 38,500 जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पुट राइटर एक्टिव है 38,700 पे भी क्या पुट राइटर एक्टिव है 38,700 पे लगभग 59% ये पुट राइटिंग का स्ट्रेंथ है और 43% लगभग जो ये इनका ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ कॉल राइटर ज्यादा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है आज फ्रेश पोजीशन क्रिएट किया गया है पुट राइटर द्वारा, जबकि मार्केट में आज जो है शॉर्ट कवरिंग हुआ है एक देखिए इसमें भी 2,83,000 क्वांटिटी के साथ शॉर्ट कवरिंग हुआ मार्केट में, मार्केट ऊपर गया है। तो मार्केट को आज देखें कि बैंक निफ्टी निफ्टी की अपेक्षा कम चला है, तो बैंक निफ्टी में हो सकता है मंडे को एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सके। अगर आप बैंक निफ्टी के और कंपोनेंट जितने भी हैं उसको देखेंगे तो आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा। तो इस प्रकार अगर ओवरऑल डाटा देखें कि ओवरऑल डाटा हमें क्या कर रहा है और जो पोजीशन किधर क्रिएट किया गया है और किसके द्वारा क्रिएट किया गया है उसको हम अपने लास्ट वाले जो एक्सेल शीट उसमें देखेंगे तो हमें लॉजिक के साथ क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। आप देखें कि जो ये 38,500 है इस पे 38,500 पे कॉल राइटर और पुट राइटर द्वारा दोनों पोजीशन क्रिएट किया गया है। कॉल राइटर ने भी आप देखें 30,000 क्वांटिटी फ्रेश पोजीशन किए हैं और पुट राइटर ने भी, जबकि यहाँ पुट राइटर के हैवी है, पुट राइटर का पोजीशन ज्यादा है, पुट राइटर का आप देखें तो 71,000 क्वांटिटी है। 38,600
और 38,700 के लेवल पे जो है, ये इधर 38,700 के लेवल पे भी पुट राइटर ने पोजीशन बनाया है, लेकिन कॉल राइटर ने क्या है, इनका 38,800 पे ज्यादा है। तो 38,000 आप अगर आपको 800 के लेवल 700 जो अब 73,800 के लेवल को ब्रेक करेगा तभी मार्केट के ऊपर जाने का चांस है। और मार्केट में 38,900 पे कॉल राइटर के हैं बहुत ज्यादा पोजिशन क्रिएट कर रहे हैं अभी। अब देखें इनका दो लेवल 38,500 और 38,900 ही लेवल है, जबकि पुट राइटर द्वारा 38,800 पे देखें ये पोजीशन क्रिएट किया गया है थोड़ा सा 20,000 क्वांटिटी, फिर नेक्स्ट जो है 38,500 पे इनका पोजीशन है। तो अभी देखेंगे कि जो ये बाइंग किया गया राइट कैन किसके द्वारा गया, ओवरऑल आप बता देखें तो आज फ्रेश पोजीशन दोनों तरफ बराबर बराबर क्रिएट किया गया है। आप देखें तो 78,000 क्वांटिटी और 75,000 क्वांटिटी जो कि ओवरऑल कॉल राइटर का पोजीशन ज्यादा है। आप देखें तो यार पुट राइटर आज क्या है, लगभग 50% अपने पूरे प्रीमियम का लगभग क्या ये 40% ये प्रीमियम बुक कर लिए हैं, जबकि कॉल राइटर का प्रीमियम बहुत ही नहीं बढ़ा है क्योंकि मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर गया है, तो कॉल राइटर का प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, कॉल राइटर का नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो ये मार्केट में अभी धीरे प्रीमियम ऊपर रखा जाएगा ताकि मार्केट ये कॉल राइटर और ज्यादा अपना जो है पोजिशन राइट कर सके। अब हम चलिए लास्ट में ओवरऑल डाटा देखते हैं कि ओवरऑल डाटा हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट में कौन राइटी किया है और मार्केट किधर जाने वाला है। दोस्तों आपने डाटा देख लिया कि क्या आज मार्केट जो नीचे ऊपर रहा वो किस वजह से रहा। अब हम ये इसको रिकॉर्ड करते हैं, अभी हम आप देखें कि जो 12 तारीख का डाटा है आपको ये आपके सामने आ जाएगा, ये देखें जो 12 का है, और आप इसको अगर एनालिसिस के साथ देखें तो ये क्या इंडेक्स कॉल में क्या है, ये फिर आज ये सेल किए हैं और पुट को बाई किए, यानी मार्केट में आज फिर ये बेयरिश है, ये पुट बाई किए हैं। कहाँ आपने देख लिया है कि 17,117,000 के पास पुट बाई किया गया है, आपने जो डाटा में देखा है कि 17,000 के पास आप अगर निफ्टी के डाटा देखे होंगे तो किसके द्वारा बाइंग किया गया आप ये क्लियर देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो बाइंग किया गया है आप ओवरऑल अगर आप देखें तो बाइंग किया गया है। देखिए आप ये जो हमें 18,000 ये जो आप देखें 17,700 पे जो बाइंग किया गया ये क्या है रिटेल इन्वेस्टर हमारे हैं। 17,700 पे आप देखें 17,200 पे ये भी बाइंग किया गया, 17,100 पे जो बाइंग किया गया आप ये डाटा 22,000 क्वांटिटी ये देखें क्या है ये बाइंग किया गया है रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा। ये देखें आप अब ये जो है ये 17,900 पे जो बाइंग किया गया रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा क्या है बाइंग किया गया है नीचे की तरफ, ये क्या क्या है और ऊपर की तरफ इन्होंने क्या किया है ये सेल किया। आप देखें ये ऊपर की तरफ सेल किया गया किसके द्वारा रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा, जो निफ्टी के जो हमारे ऑप्शन चेन दिखा रहा है और डाटा दिखा रहा है। तो अगर हम देखें कि रिटेल इन्वेस्टर क्या क्या है, रिटेल इन्वेस्टर ने कॉल को सेल किया है और पुट को बाई किया है, कहाँ बाई किया आप ये देख रहे हैं, ये इन्होंने पुट को एक अच्छा खासा 1,25,000 क्वांटिटी के साथ सेल किया और 33,000 क्वांटिटी इन्होंने बाइंग किया। बाकी आप देखें कॉल जो इंडेक्स कॉल बाई किया गया ये क्लाइंट जो FII के द्वारा भी बाई किया गया और ये क्या सेल किया गया है जो पुट जो सेल किया गया है वो, यानी FII और ये क्लाइंट दोनों एक साथ आ जाए, जो मंडे की मार्केट है इसके साथ ये जो है ये दोनों एक साथ हैं, जबकि हमारे ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है इंडेक्स कॉल में इन्होंने बाई किया और ये पुट को सेल किया, इन्होंने बाई क्या किया है 76,000 क्वांटिटी लगभग बाई किया है। आप देखें 76,000 क्वांटिटी इन्होंने कॉल बाइंग किया, तो मार्केट को मंडे को रेंज में रखा जाएगा और रेंज में रखा जाएगा या फिर मार्केट को ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि जो इनकी राइट किंग है ये ज्यादा है तो मार्केट को ऊपर रखना चाहिए ताकि इनको लॉस हो, क्योंकि हमेशा क्लाइंट ही लॉस करते हैं, कभी कभी इनको जो है एक लॉलीपॉप चुसा दिया जाता है ताकि ये मार्केट में बने रहें। आप ये डाटा को देख सकते हैं तो कभी कभी ये प्रॉफिट करते हैं और ये बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए जो ये हमारे क्लाइंट ये FII और प्रॉपर्टी छोटे छोटे लॉस करते रहते हैं ताकि ये मार्केट में लोग बने रहें, क्योंकि मार्केट में जब बने रहेंगे तभी इनको प्रॉफिट होगा। तो आप लॉजिक को समझिए, तो मार्केट में आप अगर देखें इन्होंने क्या किया बॉक ये हमारे क्या फ्यूचर में बाई किए हैं, देखिए FII फ्यूचर में बाई किए हैं जबकि इन्होंने फ्यूचर में सेल किया है और ये फ्यूचर में भी सेल, तो ये अपना पोजिशन हेज कर दिए FII अपना पोजिशन हेज कर दिए हैं, इनको अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो नुकसान नहीं होगा क्योंकि इन्होंने ये मार्केट नीचे जाता है तो इनको ये कॉल को बाई किए हैं और मार्केट नीचे जाता है तो ये कॉल बाई किए हैं तो इनको नुकसान नहीं होगा क्योंकि इन्होंने पुट सेल कर रखा है, ठीक है। तो ये मार्केट में ये अभी बेयरिश हैं FII हमारे और क्लाइंट हमारे बेयरिश हैं जबकि प्रॉपर्टी हमारे मार्केट में बुलिश हैं। तो इस प्रकार आप ओवरऑल डाटा देखें कि जो कैश में FII ने बाइंग किया है जबकि DII ने भी बाइंग किया है तो मार्केट को ऊपर रखना चाहिए, क्लाइंट ने भी बाइंग किया है तो ओवरऑल डाटा क्या है बुलिश है, मार्केट ऊपर ही रहना चाहिए मार्केट के हिसाब से। चलिए दोस्तों ट्रेंड ट्रेड इज ट्रेड विथ ट्रेंड ऑलवेज ट्रेड विथ ट्रेंड, जो भी ट्रेड है ट्रेंड के साथ ही आप ट्रेंड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्रेंड मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट में आपको पैसा कमाना क्या है इजी है, लेकिन आप सबसे पहले आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या है।
बिना ट्रेंड के अलावा पता किए आप अगर करेंगे तो मार्केट में आपको लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार ओवरऑल मार्केट में डाटा और ये चार्ट आपके हिसाब से मार्केट बुलिश है, तो आप सोच समझ के ट्रेड करें और बिना लर्निंग के ट्रेड ना करें। दोस्तों मार्केट में लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लॉजिक और डाटा के साथ सीख करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए और इस चैनल को ग्रो करने के लिए, आपको अपना कीमती समय सीखने के लिए। आप सीखने पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको अगर थोड़ा अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो और आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आने वाले आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। इस प्रकार ये दोनों वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार पर बनाया गया, इस वीडियो के आधार पर कोई बाई सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट न करें। बाई सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट करने के लिए आप उन्हें फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी कीमती समय देने के लिए और मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन प्रॉफिटेबल रहेगा।